This is Red Fox, Jaipur, and we are here for the breakfast. यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे जो जो खाने लायक चीज़ें हैं. यू हैव ऑल दिस ऑप्शंस, पिकल्स ऑल्सो, क्वाइट गुड. मेरा ब्रेकफास्ट का प्लेट रेडी है एंड आई विल बी फर्स्टिंग इट ऑफ. सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम जयपुर, द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हवा महल. हालांकि वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, मतलब कि अलाउड है मतलब पार्किंग नहीं है. तो अदर पीपल दे हैव गॉन बाई टुक टुक ऑटो, एंड हमने सोचा कि हम रोहित और मल्टेश जी जो इस पावरफुल बीट को मिनी मॉन्स्टर्स को बोलते हैं ऑन करते हैं. तो आई थॉट ऑफ ड्राइविंग दिस कार टुडे इन दिस सिटी बिकॉज दो तीन बेनिफिट. एक तो मैं गाड़ी चला लूँगा, दूसरा क्या छोटी गाड़ी है तो फटाफट जहाँ घुसना हो घुस जाएंगे. तीसरी चीज़ ये है, हवा महल के पास कितना भी भीड़ हो, कितना भी हवाबाजी हो, हम आराम से जाएंगे, एक बार बाहर से एक व्यू लेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि ये क्या हवा है इसका, हवा महल का इतना. तो मैं बस देखना चाहता था क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ जयपुर, एंड मैं आपको भी दिखाना चाहता था कि कैसा है हवा महल. तो चल रहे हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर है जो रेड फॉक्स हमारा है, लेमन ट्री होटल्स का ब्रांच है, राइट. तो रेड फॉक्स वेरी नाइस होटल, अगर कभी आप आते हो तो यू कैन स्टे हियर पीसफुली. बहुत अच्छा क्वालिटी है, ब्रेकफास्ट वॉज वेरी यमी, मैं दिखाया भी आपको, बहुत टेस्टी था. रूम्स क्वालिटी इज़ वेरी गुड, होटल्स का मैं वीडियो दिखा चुका हूँ. तो मैं चलता हूँ हवा महल, वहाँ मिलता हूँ, वीडियोग्राफी करूँगा तो पता चला पैसा पे करना पड़ेगा. 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हवा महल, और ये राइट साइड से मैं जाना है. एक्चुअली अच्छा लग रहा है दूर से, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में. पता नहीं क्यों मुझे कुतुब मीनार ये लग रहा है, लाल किला ऐसा लग रहा है. लोग सोशल ब्रेक कर रहे हैं, हमको लगा मैं भी करूँ, बट नहीं करेंगे. अरे कितना सुंदर लग रहा है ये, अभी अंदर चलेंगे, थोड़ा ड्राइव भी करना है. सिग्नल पे वेट कर रहे हैं, रेड सिग्नल है, देख सकते हैं. यू टेक राइट, तो कुछ ना कुछ तो मज़ा आएगा मेरे ख्याल से. देखते हैं अंदर चलते हैं, पहले एंटर कर रहे हैं यहाँ से. एंड यहाँ से है 950 मीटर, मतलब मेरे ख्याल से यही कैंपस है जहाँ से स्टार्ट हुआ है हवा महल का. तो पता नहीं हवा महल सही में है या हवाबाजी है, वो अंदर जाके देखेगा. लेकिन ये तो अच्छा लग रहा है, जौहरी बाजार लुक्स लाइक सब एंशिएंट एकदम बिल्डिंग्स है चारों तरफ. देखिए मार्केट है, मार्केट है ना, पुराने बिल्डिंग्स है सब. ऐसा लग रहा था एक समय के कोर्ट में घुस गए कहीं. अरे दुकान खोला है चप्पल. तो देखिए अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि हम राजा महाराजा के गली में घुस चुके हैं, जहाँ पे कभी भी जो है कुछ फरमान जाहिर किया जा सकता है. बीट वालों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं कड़ी सी कड़ी सजा हो, यह राजा का आदेश है. पिंक है ना, दिस इज पिंक, दिस इज नॉट पिंक, लेकिन बोल दो पिंक. एक इसमें थोड़ा पिंक लग रहा है, बाकी सब तो हमको वो कौन सा कलर है, ऑरेंज भी नहीं, ब्राउन ब्राउन है, पिंकी ब्राउन. देखिए बंदा पिंक टी शर्ट पहन के जा रहा है, ये बड़ा काफी पिंकी, ये काफी. देखिए बंदे को देखिए, पिंक सिटी में पिंक टी शर्ट में बंदा दिखा. मैं सामने मैडम जो उल्टा बैठ के वीडियो बना रही है, और हम सीधा बना रहे हैं. हमारा ले लिया मुश्किल, क्या क्या ले रहे हैं. हाँ तो जी वो पिंक सिटी पहुँचने वाले हैं हम लोग, लेफ्ट साइड देखिए हवा महल, मतलब पिंक सिटी में सॉरी हवा महल पहुँचने वाले हैं. सामने हवा महल है, हवा महल है सही में, हवा नहीं है सिर्फ. ये रुकिए थोड़ा आगे ड्राइव करते हैं. सिल्वर शॉपी, बहुत तरह के शॉप है वहाँ पे हवा महल के एटलीस्ट. अच्छा रोहित, तो यहाँ पार्किंग वार्किंग होगा जी, जैसे काफ़ी वाइड है यहाँ पे है लेफ्ट साइड, कुछ कुछ पार्किंग नहीं है सिटी. हाँ उतनी गाड़ियों का नहीं, एक आध कहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं सब जगह, जैसे यहाँ है यहाँ घुसा सकते हैं गाड़ी का. ये देखिए दिस इज हवा महल, पिक्चर ले नहीं पाता हूँ. वी आर इन द पिंक सिटी, सुजाता, अरे नाम भूल, सविता जी, सरदा जी इज देयर, नाम भूल गया इनका. कैसा लग रहा है पिंक सिटी में, वो भी राजेश मेरा नाम भूल सकता है, ब्लंडर हो गया है. ब्यूटीफुल सिटी, एंड अभी तो ऐसे खुला नहीं है कुछ भी, बट फिर भी इट इज सो ब्यूटीफुल, मतलब नहीं भी है तो इट लाइक वी वुड हैव मिस्ड इट, हम थोड़ा बाहर नहीं निकल पाए. ट्रू, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू रॉय क्रूजर्स. ये पूरा लेन पिंक है ना, देखिए कितना खुश है यहाँ पे लोग आकर के. अच्छा नाइस, दैट्स अ गुड कंसेप्ट. ये देखिए हवा महल है, काफी हवादार लग रहा है हवा महल.
और यहाँ पे देखिए सब कुछ एक ही कंसेप्ट, पूरा मार्केट एक ही कंसेप्ट बना हुआ है। देखिए स्ट्रक्चर है, सिमला का स्ट्रक्चर, यानी हमारे लोग हैं थोड़ा बहुत खरीद फरोख्त कर रहे हैं। डन विथ हवा महल, अंदर नहीं गए हम लोग बिकॉज ठीक है, मैं बस देखना चाह रहा था एंड आपको भी दिखाना चाह रहा था। अभी अंदर जाने से क्या होता कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता एंड 9:30 ऑलरेडी हो चुका है, बाई 10 वी हैव टू लीव फॉर चंडीगढ़। तो मैं चलो निकलते हैं भी यहाँ से, तो इस साइड से भी एक सोचे व्यू दे दें आपको, थोड़ा बेटर व्यू सामने से, मेरी बस हट जाए तो। हाँ जी, तो ये है आपका हवा महल, उसके पीछे की कहानी क्या है नहीं वो आप रिसर्च करें खुद, उसके बारे में ब्लॉग्स देखें पढ़ें, पता चल जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं, दिस इज डे 4 एंड आई एम ड्राइविंग एस क्रॉस। नाउ देखो हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, अलग अलग गाड़ियां मैं दिखा रहा हूँ। टुडे आई एम ड्राइविंग एस क्रॉस, वी आर हेडिंग टूवर्स चंडीगढ़, जहाँ पे हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे लेंगे नियर गुड़गांव एंड विल बी क्रॉसिंग वाया कुरुक्षेत्र एंड अदर प्लेसेस लाइक कर्ण का क्या था नगरी, करनाल, यस करनाल, लैंड ऑफ कर्ण, वो भी क्रॉस करेंगे। बाय इवनिंग विल बी इन चंडीगढ़ एंड टुमारो विल बी एंटरिंग इनटू द मिस्टीरियस हिमालयाज, द वेट विल बी ओवर वेरी सून। बाय द टाइम लेट मी ड्राइव सेफली बिकॉज ट्रैफिक देख रहे हो कितनी है रोड पे एंड आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट द ड्राइविंग। आई विल बी बैक सून विद अनदर अपडेट व्हाइल आई विल बी क्रॉसिंग गुड़गांव एक्सप्रेसवे। दिखाऊंगा आपको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कैसा है। जस्ट स्पीड फॉर सम टाइम, डू सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन सी दिस इज कुंडली मनेसर एक्सप्रेसवे, विल बी एंटरिंग टू दैट, कुंडली जाता है इसको पता होगा एंड दिल्ली स्टेट है पलवल, पलवल में जाना नहीं है, दिल्ली में जाना नहीं है, वी हैव टू गो टू चंडीगढ़, सो वी आर टेकिंग लेफ्ट फ्रॉम देयर। एक्चुअली पीछे पास था गूगल मैप, आगे दिखाया थोड़ा सा रॉन्ग दिखाया, लगा स्टक पे गूगल में, तो struggle a bit, but anyway, I'll take U-turn here and then I'll leave you on the expressway. Yeah, so we are on the way to merge into the expressway. You can see there is expressway. Well, so we have merged to the expressway now. Western Peripheral Expressway, we have to stay here. 81 km. 81 km, which we drive on, we will do it. And then we'll exit toward Chandigarh. वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। आगे मिलते हैं, फिर ड्राइव करता हूँ, पहले मैं भगाता हूँ। दिस इज एक्सप्रेसवे ड्राइव और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, काफ़ी मज़ेदार है, क्वालिटी इज वेरी नाइस, वेरी स्मूथ एंड दो ट्रैफिक भी नहीं है आज, सो फार सो गुड। स्पीड नहीं दिखाऊंगा अपना, एनीवे इट्स 120 से कम है अभी, जी एस अच्छा आ रहा है। हम लोग अटेम्प्ट्स विल बी ऑन टाइम इन चंडीगढ़, आगे चलते हैं, कैरफुली चलाते हैं। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे WPE। अब देखते हैं अंबाला की ओर, विल टेक लेफ्ट पानीपत अंबाला गाजियाबाद स्ट्रेट, इफ यू आर गो टू दिल्ली वी आर गो टू चंडीगढ़, सो वी आर टेकिंग लेफ्ट यहां से। सो एक्सप्रेसवे हो गया हमारा खत्म, अब हम जाएंगे वापस सिटी रोड में ग्रैंड ट्रंक विच विल टेक अस ऑलमोस्ट टिल चंडीगढ़, नॉट चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आगे रूपनगर तक विल बी ऑन द सेम हाईवे एंड वहाँ से फिर हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश। दिस इज मुरथल वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली चंडीगढ़, सामने ये हमारी गाड़ी पार्क्ड है आज, जिसमें हमें बता रहा था आज मैं था चरणदीप भाई के एक्स क्रॉस में, और यहाँ पे ढाबा है लव हरियाणा ढाबा LHD। भूख लगी थी, कहीं कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था, जहाँ जहाँ मैं गया काफ़ी भीड़ थी, हवेली वगैरह में काफ़ी भीड़ थी, तुरंत मिलता नहीं खाना शायद, पर देखिए यहाँ पे हमने फिर से अपना फेवरेट जो है ऑर्डर कर दिया आलू पराठा, तो खाने का टाइम हो गया, इन्जॉय करते हैं देन फिर बात करते हैं आगे आप लोग से। टाइम हो चुके हैं 6:30 एंड वी आर क्रॉसिंग अम्बाला हरियाणा स्वर्ग द्वार, स्वर्ण द्वार, सॉरी धनुष बना हुआ था आप देख सकते हैं, अम्बाला कैंट पीछे था, अभी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसकी ओर चंडीगढ़ की ओर। मुझे लगता है सर मुझे नीचे वाला हाईवे लेना था बिकॉज वी हैव टू गो लेफ्ट। चलो मैं एक बार गूगल मैप फिर करता हूँ फिर बात। वेल गाइस, सो गुड इवनिंग फ्रॉम मोहाली पंजाब, मोहाली विच इज़ फेमस फॉर द क्रिकेट स्टेडियम
एंड पंजाब इज फेमस फॉर खाना, तो खाना भी अच्छा मिलता है यहाँ पे। अभी हमारा होटल यहाँ से 1.2 किलोमीटर है एंड टाइम हो चुका है 7:45। पूरी शाम हुई नहीं है, देख सकते हैं अभी यार वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो थोड़ा सा ना यहाँ पे लेट होता है सनसेट, ऑब्वियस थिंग। ऊपर देखे जो हाईवे गया हुआ है ना, इसमें हमें कल सुबह मर्ज होना है, विच विल टेक अस टूवर्ड्स रूपनगर, जहाँ से हम लोग हाईवे लीव करेंगे जेटी रोड एंड विल टेक राइट टूवर्ड्स मनाली। तो अभी हम लोग हैं मोहाली में, जी हाँ अभी हम लोग मोहाली में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सोचा आज का ब्लॉग प्रॉब्ली यही एंड करेंगे, क्या शानदार वीडियो आ रहा है, नहीं अच्छा आ रहा है ये। सो या तो फिर मैं एक होटल का फुटेज ऐड कर देंगे, उसके बाद करेंगे ऐड, देखते हैं। इफ़ आई फाइंड गुड वीडियो आई ट्राई टू गेट अ गुड पिक्चर गुड व्यू फ्रॉम द होटल, इफ़ आई गेट दैट आई ऐड दैट, इफ नॉट टुमारो मॉर्निंग आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। वेल इन द हिमालयास, stay tuned, subscribe the channel, do like, do comments if you have any queries. Those who are planning to come to Ladakh this year, if you need any help, any kind of queries, if you have, feel free to write your queries in the comment box so that I can answer and I can help you people. Thank you so much. That's all for this vlog. I'll catch you tomorrow. Goodbye. All right guys, so hum pahunch chuke hain Manali Punjab mein aur hamari puri team bhi pahunch chuki hai. Dekhiye, this is the hotel jahan Ambika, जहाँ पे हम स्टे करने वाले फैमिली का ग्रुप, एंड देखिए हमारी गाड़ियाँ पीछे पार्क्ड हैं, उधर गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, अभी चार गाड़ियाँ आई है, अभी जो 10 और हमारा काफिला आना बाकी है। कल से स्टार्ट होगा हमारा हिमालय का सफ़र। देखो योगेश भाई देखो हंस रहा है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये बंदा जो ड्रोन शॉट लेता है, मैं जब नॉर्मल ब्लॉगिंग करता हूँ तो हंसता है, मेरा मजाक उड़ाता है। ये ड्रोन चार्जर है। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि कल विल हेड टुवर्ड्स मनाली वाया रूपनगर, यही हाईवे में लेना है कल, क्योंकि ऊपर दिख रहा है फ्लाईओवर, यही फ्लाईओवर हमें कैच करना है जा करके। इट्स वेरी कन्वीनियंट, जैसे सिग्नम सिटी स्पेसेस अंबिका ग्रुप के अंदर आता है। तो कल का प्लान साफ है, हिमालयन पैंथर्स की टीम जो है जड़ी बॉय एंड मुनीस, वो भी आके हमें मर्ज करेगी, विल ब्रीफ आवर टीम मेट्स कि कैसे क्या करना नहीं करना है, एंड आफ्टर दैट विल हेड टूवर्ड्स मनाली टुमारो। तो स्टे ट्यून्ड, अभी मिलते हैं, थोड़ा होटल जाते हैं, सेटल डाउन, थोड़ा फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।